फाइनली पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर, और आज है 12 अक्टूबर 2021 और आपको ले चलते हैं जहां से हमने वीडियो शुरू की, गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच। तो चलते हैं गौरीकुंड जहां से हमने यात्रा शुरू की और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पहुंचा जाए। गुड मॉर्निंग, और ये हमारे अमन बग्गा उठ चुके हैं, और ये हेलो व्यूअर्स, और ये हमारे बीनू भाई सो रहे हैं। बीनू भाई, सुबह हो गई। तो देखो, अब हम उठ चुके हैं, समय हो रहा है 6 बज रहे हैं, और अब तैयार होके हम जाएंगे ऊपर को, और आज दिखाएंगे आपको केदारनाथ का पूरा ट्रैक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली हो चुके हैं अब तैयार, और हम निकलेंगे हम नाश्ते के लिए, और नाश्ते के बाद हम कराएंगे स्टेशन, और उसके बाद देंगे केदारनाथ ट्रैक। तो मिलते हैं केदारनाथ ट्रैक लास्ट में। फाइनली सब हो चुके हैं तैयार और पैकअप हो चुका है, अब जाने के लिए ऊपर को। तो दोस्तों, ये हो रहा है हमारा नाश्ता भी, और इसके बाद हम जाएंगे ऊपर की ओर। ये सफर की शुरुआत हो चुकी है सोनप्रयाग से, और आगे जाके हम गाड़ी से जाएंगे गौरीकुंड तक, फिर वहां से जाएंगे टैक्सी बाइक में और अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड को, और लगभग 7 किलोमीटर आ गया है गौरीकुंड, फिर वहां से जाएंगे हम पैदल। जयकारो वीर बजरंगे। पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और अब यहाँ से जाना है आगे को, तो चलते हैं दिखाते हैं इस बार भीड़ कैसी है केदारनाथ के रूट पे। दोस्तों, ये पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और ये यहाँ पर मिला था गौरीकुंड, पहले ये गायब हो चुका था 2013 की आपदा में, और अब ये मिला है, और काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ केदारनाथ में हो चुका है। ये है 2021 अक्टूबर का महीना, और बहुत काफ़ी निर्माण कार्य यहाँ हो चुके हैं। ये पीछे आप रोड देख रहे हैं, पहले पूरा कच्चा था, तो काफ़ी बढ़िया अब यहाँ कार्य हो चुका है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं केदारनाथ का गौरीकुंड है, ये गर्म पानी है, जैसे बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, गंगोत्री में गगनानी है, वैसे ही ये केदारनाथ का गौरीकुंड है। ये है घोड़ा स्टैंड गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पे, और अगर आपको घोड़े से यात्रा करनी है तो आप इस जगह से घोड़ा हायर कर सकते हैं, और एक बहुत सुंदर वाटरफॉल भी दिख रहा है आगे। तो चार्ज लगभग ऐसे ही रहते हैं, 1000 रुपये या 1500 रुपये ये लेते हैं ऊपर तक ले जाने के, और मेरा सजेशन है कि अगर आप चल सकते हैं तो आप पैदल ही यात्रा कीजिए, पैदल का मजा ही अलग है। और देख रहे हैं आप ये वाटरफॉल है एक केदारनाथ में, जाते समय स्टार्टिंग ही है, ये घोड़ा स्टैंड है गौरीकुंड का, और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पहुंच चुके हैं 3-4 किलोमीटर ऊपर आ गए हम, चीड़ बादशाह लिखा है यहाँ, ये भैरव मंदिर है, तो अभी बढ़िया मजा आ रहा है चलने में। गाइस, बहुत ही सुंदर झरना केदारनाथ में, और आप भी, तो अगर आपको आने हैं तो इस सीजन में आप आ सकते हैं, बहुत ही शांत है माहौल, ज़्यादा
भीड़ भाड़ नहीं है अभी और बढ़िया व्यू है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है और आप इजी आ सकते हैं। यार समय बढ़िया अभी इस टाइम पे ये है कि भीड़ बहुत कम है और भसड़ नहीं है जो होती है सीजन टाइम में आने में तो बहुत ज़्यादा। ये देखिए बहुत ही सुंदर झरना, ऐसे कई झरने हैं यहाँ पर, आप यहाँ इजी आ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये पहुंच चुके हैं अभी जंगल चट्टी के समीप, लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरीकुंड से और अभी 11 किलोमीटर बाकी बचा हुआ है केदारनाथ। और इसी तरीके से केदारनाथ के व्यू हम आपको दिखाते रहेंगे कि इस टाइम पे कैसा है। ये पहुंच गए हैं हम रामबाड़ा, जो पुराने टाइम में रामबाड़ा था, अभी इसे भीमबली बोला जाता है इस जगह को। और अब हम करेंगे नदी क्रॉस और वो दिखाएंगे आपको पुल नदी का और उसके बाद है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। टाइम हो चुका है 12 बज गए, 9 बजे हम निकले थे, 3 घंटे में यहाँ 6 किलोमीटर में लगे हैं तो इसके हिसाब से 2 किलोमीटर की हम गति से चल रहे हैं यहाँ, क्योंकि इंजॉय करते हुए चलना है। और ये देखिए ये वो जगह है जिसे पहले मैं रामबाड़ा बोला जाता था और जो रास्ता था वो नदी के लेफ्ट साइड से ही था पूरा, लेकिन अभी क्या 2013 के बाद से ये पूरा डिजास्टर में क्षतिग्रस्त हो गया है और अब ये रास्ता अपोजिट साइड से बनाया है और कुछ नाम चेंज ही कर दिए गए हैं। पहले गरुड़ चट्टी ये वो हुआ करते थे, अब लीची, बड़ी लीची और अनेकों नाम अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके से लग गए हैं। और ये देखिए इस तरीके से सामान ले जाया जाता है केदारनाथ को, इसलिए यहाँ थोड़ा सामान महंगा मिलता है और वो ज़रूरी भी है क्योंकि इसमें उनके पैसे खर्च होते हैं। तो दोस्तों ये पहुँच चुके हैं हम रामबाड़ा और ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ से और इसके बाद चढ़ाई है और ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है नदी का और लगभग अब थोड़ा और जाना है तो काफ़ी बढ़िया लगा है। यहाँ पर लोगों ने सेल्फी पॉइंट भी बना दिया है और ये पुल काफ़ी बढ़िया, ये आप देख रहे हैं। और हम यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे और ये पुल से हम अदर साइड जाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, ये सेल्फी पॉइंट बना दिया है इस जगह को, तो आप भी अगर केदारनाथ आएंगे तो ये आप देखेंगे। और एक व्यू दिखाते हैं आपको, तो राइस ये है और ऊपर है लीची और उससे आगे है केदारनाथ। हो सकता है साउंड नहीं आ रहा हो तो आप हेडफोन का यूज़ कीजिएगा, बहुत सुंदर है।
दोस्तों ये है केदारनाथ का लिंचोली और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और बचा हुआ है केदारनाथ और उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं केदारनाथ टेंपल के। अभी हमें लिंचोली में और लगभग 3 बज चुके हैं तो लगभग 2 घंटे बाद और 5 बजे हम केदारनाथ पहुँचेंगे। ये लीची से थोड़ा ऊपर आके एक शॉर्ट रास्ता है जो कि सीधे हमें बेस कैंप पे ले आएगा। ये आप देख रहे हैं ये रास्ता है शॉर्टकट, तो कभी भी आए बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, 1-2 किलोमीटर आपके बचा सकता है। तो आप केदारनाथ जाने तो ये शॉर्ट जरूर अपनाएं। ये है शॉर्ट रास्ता जो ले जाएगा हमें सीधे बेस कैंप और ये हमारे टीटी भाई लोग पहले ही पहुँच चुके हैं और बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पर का। तो आप यहीं के रास्ता हैं, ऊपर से ना ही आए तो ज़्यादा बढ़िया है। और ये देखिए टीटी भाई हमारे, हेलो विनु भैया, तुम्हें दिख गया शॉर्टकट। तो ये पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप में और लगभग 5 बज चुके हैं और हम निकले थे 10 बजे गौरीकुंड से, तो ट्रैक में टाइम लग ही जाता है। और जस्ट पहुंच के आपको दर्शन कराते हैं केदारनाथ मंदिर के। दोस्तों ये आप देख रहे हैं
केदारनाथ पहुंचने वाले हैं हम। कुछ ही दूरी में केदारनाथ बचा हुआ है और ये देखिए केदारनाथ का मंदिर हल्का दिखने लग गया है यहाँ से। और यहाँ पर तो सीधा रास्ता है तो कोई टफ नहीं है, तो आप भी यहाँ केदारनाथ आ सकते हैं। जय भोले हर हर महादेव। ये केदारनाथ का प्रथम दृश्य बहुत ही बढ़िया। दोस्तों फाइनली केदारनाथ के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और समय हो गया है 6 बज गए, और ले चलते हैं आपको केदारनाथ और दर्शन कराते हैं बाबा केदारनाथ के। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। दोस्तों ये है केदारनाथ मंदिर और फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं। आज है 13 अक्टूबर 2021। वो कहते हैं ना कि जन्नत है तो यही है, वो आप देख सकते हैं भीड़ के हिसाब से। देखिए क्या भीड़ है और क्या नज़ारा है बाबा केदारनाथ का। तो आप भी आइए और इस नज़ारे का लुत्फ़ ले सकते हैं। ये है बाबा केदारनाथ। फाइनली खत्म करते हैं ब्लॉग को। ये केदारनाथ हम पहुंच गए थे, आरती भी देखी है, लगभग समाप्ति पे आरती। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।